जी नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं, चैप्टर टू पिछली स्लाइड पे जाएं। हाँ ठीक है, चैप्टर टू का ये। अच्छा अब जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है, चैप्टर टू के अंदर, ये हमारा थोड़ा तवील चैप्टर है। इसमें हमने इनकम फ्रॉम सैलरी डिस्कस करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिस्कस करेंगे। अच्छा मैं जो डिस्कस करूंगा, अगेन जैसे मैंने कहा कि मेरे सेमिनार का या इस वर्कशॉप का जो फोकस है या ये जो स्लाइड्स बनी हुई हैं, ये एक कॉमन इंडिविजुअल के लिए बनी हुई हैं और इसका मकसद ये है कि एक आम इंडिविजुअल की रिटर्न आपको फाइल करना आ जाए तो स्लाइड्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉमन इंडिविजुअल के हवाले से है। हाउएवर आपके क्वेश्चंस के ज़रिए हम कम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ये एक क्वेश्चन है, या ये बताएं कि सबसे आखिर में लिखा हुआ है विच वन ऑफ देम इज़ अ सैलरीड इंडिविजुअल, ये मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, इन तीनों में से सैलरीड इंडिविजुअल कौन है? अच्छा मैं आसानी के लिए पूछता हूँ, जो हमारे पास पहली दो रो से जो पीछे लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हैंड रेज कीजिएगा। जो लोग ये समझते हैं कि मिस्टर ए जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है वो हैंड रेज कर दें। जो लोग ये समझते हैं कि मिस्टर ए सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है, यानी मिस्टर ए के बारे में मैं ये समझ रहा हूँ कि सबका वोट ये है कि मिस्टर ए जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल है, ठीक है। अच्छा जो लोग ये समझते हैं कि मिस्टर बी सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है वो लोग हैंड रेज कर दें। ओके मिस्टर बी के बारे में भी सबका वोट यही है कि मिस्टर बी भी सैलरीड इंडिविजुअल है। अब जो लोग ये समझते हैं कि मिस्टर सी जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है, मिस्टर सी जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है, तो हमारे जो हॉल का कंसेंसस है वो ये है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी जो हैं वो सैलरीड इंडिविजुअल हैं और मिस्टर सी जो है वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है, ठीक है। ये कंसेंसस गलत है, इसीलिए कहते हैं कि जमहूरियत हमेशा ठीक नहीं होती, ठीक है, कभी कभी आमरियत के तहत भी फैसला करना पड़ता है। तो ये जो कंसेंसस है ना ये अगेंस्ट दी लॉ है। ये कंसेंसस अगेंस्ट दी लॉ क्यों है? उसकी वजह ये है कि सैलरीड पर्सन की जो डेफिनेशन है लॉ के अंदर वो ये कहती है कि अगर किसी की सैलरी इनकम उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम के 75% से ज़्यादा हो, 75% से ज़्यादा हो वो तो सैलरीड इंडिविजुअल होगा। अब जो पहला इंडिविजुअल है इट इज़ एट 75%, नॉट मोर देन 75%, जो दूसरा है वो भी इसी तरह से है और तीसरा तो बिल्कुल क्लियरली नॉन सैलरीड है। तो ये जो तीनों बार, ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाहता था, क्योंकि ये मैंने एक कॉमन एरर आइडेंटिफाई किया है कि लोग 75% को समझते हैं कि वो सैलरीड है। नो, मोर देन 75% इज सैलरीड। अब ये इसकी अगर सैलरी 1,501,000 होती तो फिर वो 75% से बढ़ जाता एंड ही वुड हैव बिकम अ सैलरीड इंडिविजुअल। अच्छा अब ये डिस्टिंक्शन पहले लॉ में ये 50% होती थी, पिछले 2 साल पहले इसे चेंज करके 75% किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये जहन में रखें कि नॉन सैलरीड और सैलरीड इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। मसलन अभी जो करंट रेट्स आए हैं टैक्स ईयर 2024 के लिए, उसमें नॉन सैलरीड इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर 4 मिलियन के बाद 35% रेट अप्लाई हो जाता है और उसकी सारी इनकम पे 35% रेट अप्लाई हो जाता है, और जो सैलरीड इंडिविजुअल है उसकी 6 मिलियन के बाद 35% रेट अप्लाई होता है। तो ये इतना बड़ा फ़र्क है कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आपके पास जब टैक्स पेयर आएगा वो तनख्वाह भी कहीं से ले रहा है, पता लगा उसने घर रेंट पे दिया हुआ है, और अगर वो रेंट की आमदनी 25% तक पहुंच गई तो उसकी सैलरी इनकम पे भी नॉन सैलरीड के रेट अप्लाई हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि एक वो बहुत हाई इनकम टैक्सेशन स्लैब में चला जाएगा। तो जब भी आपने एनुअल टैक्स रिटर्न बनानी है इंडिविजुअल की तो इस फ़र्क को मलूजे खातिर रखना है कि वो सैलरीड इंडिविजुअल है या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है, बल्कि इसकी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। अगर किसी शख्स की कोई इनकम है और वो आपका जब एक क्लाइंट है और आपने अगले साल भी रिटर्न उसकी फर्ज क्या बनानी है, तो पहले से प्लान करें कि कौन शख्स जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल है कौन नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है, वो पैसे या तो सेट असाइड करे या अपनी इनकम के अंदर फॉर एग्जांपल अपने फिर प्रॉपर्टी जो है वाइफ के नाम कर दे ताकि उसकी प्रॉपर्टी इनकम जो है उधर टैक्सेबल हो, बजाय इसके। देखिए टैक्स प्लानिंग लॉ में आपको अलाउड है, टैक्स प्लानिंग इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन, टैक्स इवेजन आप नहीं कर सकते बट राइट टैक्स प्लानिंग इज़ अलाउड टू यू,
और आपका एज ए टैक्स एडवाइजर जो रोल है वो राइट टैक्स प्लानिंग बताना है, टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स एवेजन बताना नहीं है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे सैलरी इनकम की, पार्टिकुलरली सैलरी इनकम की टैक्सेशन। सैलरी इनकम की टैक्सेशन में ये बात याद रखें कि सैलरी इनकम की टैक्सेशन रिसीट बेसिस के ऊपर है। अगर मुझे तनख्वाह नहीं मिली तो मुझे टैक्स भी नहीं लग सकता। तो सैलरी इनकम की टैक्सेशन एज पर लॉ रिसीट बेसिस के ऊपर है, रिसीवेबल की बेसिस के ऊपर सैलरी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। वन, लॉस कोई भी एडजस्ट नहीं होगा सैलरी इनकम के अगेंस्ट। जो टैक्स एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा वो एडजस्टेबल है और ये पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम होगी अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन पाकिस्तान है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एग्जेम्पशंस, सैलरी वालों को बहुत लिमिटेड एग्जेम्पशंस रह गई हैं, तो सैलरी की रिटर्न आसान हो गई है काफ़ी ज़्यादा। आल्दो के टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन के हवाले से सैलरीड पर्सन आजकल इश्तजाज भी कर रहे हैं कि हमारे ऊपर बर्डन बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन कैलकुलेशन के पर्पज़ से उनकी टैक्सेशन आसान हो गई है। एग्जेम्पशंस क्या है? मेडिकल अलाउंस या मेडिकल फैसिलिटी। अच्छा, ये याद रखें कि मेडिकल फैसिलिटी की एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगी जब मेडिकल फैसिलिटी इज़ इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मसलन एक शख्स है, उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में लिखा हुआ है या उसे मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड बनवा के दिया हुआ है कि यार अगर बीमार पड़ गए तो 5 लाख रुपए तक का खर्चा हम बियर करेंगे, एम्प्लॉयर बियर करेगा। लेकिन अगर उसका खर्चा हो गया 5.5 लाख रुपए और एम्प्लॉयर ने अज़राहे हमदर्दी ऊपर के 50,000 रुपए भी दे दिए, नाउ द एक्सेस 50,000 इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जब टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से गया तो वो मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल हो गए। दूसरा है मेडिकल अलाउंस, और मेडिकल अलाउंस एक तो उस पर लिमिट है, मेडिकल फैसिलिटी पे लिमिट कोई नहीं है अनलेस के टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई लिमिट हो। मेडिकल अलाउंस पे लिमिट ये है कि इट इज़ एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, लेकिन मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन की शर्त ये है कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई मेडिकल फैसिलिटी ना हो, चाहे उसने अवेल की या नहीं की। मसलन फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी मैंने पिछली एग्जाम्पल में कहा कि एक शख्स है उसको मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई है कि वे 5 लाख तक तुम्हें खर्चा रीइंबर्स कर देंगे, वो अल्लाह की मेहरबानी से वो बंदा पूरे साल कभी बीमार ही नहीं हुआ और उसको वो 5 लाख रुपए में से उसने 1 रुपया भी अवेल नहीं किया, तो वो अगर चाहे कि यार मैं मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन ले लूँ, वो नहीं ले सकता क्योंकि उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेडिकल फैसिलिटी लिखी हुई है और लॉ में ये क्लियर है कि अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेडिकल फैसिलिटी लिखी हुई है तो इररिस्पेक्टिव कि आपने अवेल की या नहीं की, मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये भी एक कॉमन एरर है और इसके ऊपर इवन केसेस भी हुए बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर और उनको फिर उसके ऊपर टैक्स अपने एम्प्लॉयज़ का देना पड़ा, ऑल्दो दे समहाउ रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एज़ वेल, जो वो कर सकते थे। स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस जो है, अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को स्पेशल अलाउंस दिया, स्पेशल अलाउंस किया है कि अगर जैसे आपने यहाँ से एम्प्लॉय को भेजा, कराची भेजा और उसको TADA दे दिया, तो ये जनरली स्पेशल अलाउंस में ये आता है। अच्छा, बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस की प्रैक्टिस क्या थी, जैसे एक केस बना जुडिशियल अलाउंस के हवाले से सबके इल्म में होगा, तो उसके बाद यहाँ पर चेंज कर दिया स्पेशल अलाउंस के लिए कि अब कोई अलाउंस अगर मंथली मिलेगा ना तो वो अलाउंस तो एग्जेम्प्ट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और स्पेशल अलाउंस के लिए ये बात याद रखें कि उसका नाम स्पेशल अलाउंस रखने से एग्जेम्पशन नहीं होगी, उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, उसकी नेचर होनी चाहिए रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। इसको समझाने के लिए अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा नाम शरीफ है, लेकिन सिर्फ नाम शरीफ होने से शराफत नहीं साबित होती जब तक मेरी हरकतें शरीफों वाली ना हो, ठीक है। तो इसी तरह जो स्पेशल अलाउंस है उसका नाम अगर स्पेशल अलाउंस रख देंगे तो वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी जब तक उस स्पेशल अलाउंस की हरकतें जो है वो स्पेशल अलाउंस वाली ना हो, तो ये याद रखना ज़रूरी है। और फाइनली क्लास 53A में एग्जेम्पशन है, अगर किसी होटल रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉई हैं या किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक के एम्प्लॉई हैं और वो अपने एम्प्लॉयज़ को कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, मसलन होटल अपने एम्प्लॉई को फ्री खाना दे रहा है, तो ऑल्दो वो एक बेनिफिट है बट इट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा है तो बेनिफिट है बट इट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर कोई हॉस्पिटल अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है तो ऑल्दो वो बेनिफिट है बट इट इज़ अगेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट, सैलरी इनकम में, अच्छा यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, इससे आगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात होगी, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे बात करने से पहले
यहाँ तक सैलरी इनकम की कैलकुलेशन के हवाले से किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, पार्टिकुलरली सिर्फ सैलरी इनकम के ऊपर। ओके, कोई क्वेश्चंस नहीं है तो नेक्स्ट है हमारे पास रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ग्रेजुटी, ग्रेजुटी चार किस्म की है, गवर्नमेंट की है, कमिश्नर की अप्रूव्ड है, एफबीआर की अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है। गवर्नमेंट की फुली एग्जेम्प्ट है, कमिश्नर की अप्रूव्ड फुली एग्जेम्प्ट है, एफबीआर की 2 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है और अनअप्रूव्ड जो है वो 75,000 रुपए और 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड तक एग्जेम्प्ट है। तो आपके पास कोई क्लाइंट आए जिसने ग्रेजुटी इस साल वसूल की है तो आपने लाजमी देखना है कि ये ग्रेजुटी किस किस्म के फंड में से वसूल की है। इसी तरह प्रोविडेंट फंड में आपने देखना है कि आपने वो फंड जो आपका क्लाइंट है जो टैक्स पेयर है वो प्रोविडेंट फंड वसूल गवर्नमेंट के फंड से कर रहा है, सीआईआर अप्रूव फंड से कर रहा है या अनअप्रूव से कर रहा है। पेंशन के अंदर ये देखना जरूरी है कि वो गवर्नमेंट की पेंशन है या प्राइवेट की पेंशन है, क्योंकि गवर्नमेंट की पेंशन फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है लेकिन प्राइवेट की पेंशन एक एग्जेम्प्ट है, दो होगी तो हायर वाली एग्जेम्प्ट होगी। और फाइनली अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर जैसे गोल्डन हैंडशेक की पेमेंट्स वगैरह आजकल लोग वसूल कर लेते हैं या कोई और पेमेंट्स इस किस्म की लोग वसूल कर लेते हैं, तो ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट है जो टैक्सेबल रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो टैक्सेबल रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर लॉ एक सहूलत देता है कि आप अपने टैक्सेबल रिटायरमेंट बेनिफिट को बजाय करंट ईयर के रेट पर टैक्स करने के आप अपने टैक्सेबल रिटायरमेंट बेनिफिट को लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रेट पर टैक्स करवा लें। तो ये एक लॉ ने सहूलत दी है। इसके लिए ये भी याद रखें कि ये सहूलत अवेल करने के लिए आपको कमिश्नर के अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। हाउएवर आपने कमिश्नर को नोटिफाई ज़रूर करना है, आपने नोटिस देना है रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे या रिटर्न फाइलिंग से पहले। अब तो वैसे भी एफबीआर ने अपने पोर्टल पे डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप एरियर्स के ऊपर या इसके ऊपर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के ऊपर वहाँ पे कॉलम के अंदर एट्रीब्यूट्स में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं और एवरेज रेट के ऊपर उसे टैक्स के लिए ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा क्या चाहिए। जब भी आप किसी सैलरीड पर्सन की रिटर्न बनाएंगे तो कुछ डेटा ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाजमी है कि आपको वो डेटा लेना चाहिए। वो डेटा क्या है, सैलरी सर्टिफिकेट या बाइफर्केशन ऑफ सैलरी। ठीक है, अच्छा, ये सैलरी सर्टिफिकेट या बाइफर्केशन ऑफ सैलरी, वैसे तो सैलरी सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप क्या करते हैं उसकी सैलरी में डाल दिया, टैक्सेबल सैलरी और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दी, लेकिन बाइफर्केशन क्यों ज़रूरी है। बाइफर्केशन ज़रूरी है वेल्थ स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से। देखिए, सैलरी के अंदर कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं, मसलन व्हीकल दिया हुआ है, एकोमोडेशन दी हुई है। अब ये ऐसे बेनिफिट्स हैं कि जो वेल्थ में इजाफा नहीं कर रहे, तो जो वेल्थ या वेल्थ की रिकंसिलेशन बनती है वो कैश फ्लो की बेसिस के ऊपर बनती है, तो आपके पास नॉन कैश आइटम्स को आपने एडजस्ट करना है, तो इसलिए सैलरी का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। फिर सैलरी सर्टिफिकेट से ये भी आपको पता लगता है कि यार उसकी कोई प्रोविडेंट फंड डिडक्शन हो रही है तो इसका मतलब है उसका एक्यूमुलेटेड बैलेंस आपने डालना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सैलरी का सिर्फ सर्टिफिकेट ना लें, सैलरी की प्रॉपर बाइफर्केशन भी अपने क्लाइंट से अपने टैक्स पेयर से तलब करें ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। बैंक स्टेटमेंट, अच्छा बैंक स्टेटमेंट जो है, हमारे लोग क्या है, जैसे सैलरी का सर्टिफिकेट आया उसी पे पकड़ के रिटर्न बना दी, बैंक का बैलेंस उठाया उस पे पकड़ के रिटर्न बना दी। सिर्फ ऐसे रिटर्न आपने नहीं बनानी, रिटर्न जब आपने बनानी है तो बैंक स्टेटमेंट लें, बैंक स्टेटमेंट को एक उसको पढ़ें और ख़ास तौर पर उसकी जितनी क्रेडिट एंट्रीज़ हैं उन क्रेडिट एंट्रीज़ को इंक्वायर करें। हमारे यहाँ लोगों को अकाउंटिंग का नहीं पता होता, हमारे यहाँ लोगों को टैक्स लॉ का नहीं पता होता और बाद में पता लगता है ओ जी वो मामू ने पैसे भेजे थे मैंने तो उधर दे दिए, ये तो क्रेडिट एंट्री उसकी है, उसका कोई सबूत नहीं होता। और ये तो जी चाचू ने पैसे भेजे थे, बाहर से पैसे आए थे, मैंने इसलिए आपको बताया नहीं क्योंकि ये तो टैक्सेबल थे ही नहीं। तो फिर बाद में लिटिगेशन होती है और बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि जिस वक्त आप अपने क्लाइंट की रिटर्न बनाएं उसी वक्त उससे बैंक स्टेटमेंट लें और उससे उसकी क्रेडिट एंट्रीज़ के बारे में आइडेंटिफाई करें। तो ये तो क्रेडिट एंट्रीज़ वाला पार्ट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, डेबिट एंट्रीज़ का भी पूछें। देखें, डेबिट एंट्रीज़ का क्यों पूछना ज़रूरी है, डेबिट एंट्रीज़ का इसलिए पूछना ज़रूरी है, अगेन हमारे टैक्स पेयर, ओ जी मैंने प्लॉट के लिए अभी तो एडवांस दिया था, मैं समझा प्लॉट तो अभी आया ही नहीं तो रिटर्न में दिखाना नहीं है। ओ भाई, जो एडवांस दिया है वो भी तो आपने रिटर्न में दिखाना है ना। इसी तरह आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो भी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट करना है। तो ये ज़रूरी है कि उसकी क्रेडिट एंट्रीज़ तो 100% पूछें,
लेकिन जो उसकी डेबिट एंट्रीज हैं उसमें कम से कम बड़ी बड़ी फिगर्स आइडेंटिफाई करें कि भाई ये पैसा कहाँ पे जा रहा है। इसके अलावा अपने क्लाइंट से प्रूफ ले विदहोल्डिंग टैक्स का, ज़कात का, डोनेशन का, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस का, पेंशन इन्वेस्टमेंट का। और एक और भी चीज़ याद रखें या आखिरी में, कि टैक्स लायबिलिटी जो है ना आपने कैलकुलेट करनी है अपनी एक्सेल शीट बना के और ख़ुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ के मुताबिक, और फिर उसे आयरस की कैलकुलेशन के साथ चेक करें। उसकी वजह यह है कि आयरस में आज भी बेशुमार एरर्स हैं। अभी जो एफबीआर ने, और ये एफबीआर के ऑफिसर्स हैं उनके लिए, कि एफबीआर ने जो अभी भी आयरस के पोर्टल पे फॉर्म अपलोड किया हुआ है उसमें एरर्स हैं। मसलन लॉ में पिछले साल ये चेंज आ गई थी कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर मैक्सिमम जो टैक्स होगा वो 10% होगा, जबकि जो पोर्टल है वो आज भी 5% कैलकुलेट कर रहा है। हमारे इस्लामाबाद टैक्स बार के एक मेंबर हैं हबीब फखरुद्दीन साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उन्होंने एक एफबीआर को लेटर भी लिखा और उन्होंने पूरी एक डिटेल प्रिपेयर की। तकरीबन कोई उन्होंने 100+ एरर्स आइडेंटिफाई किए हैं इस वक्त जो पोर्टल के ऊपर रिटर्न अपलोडेड है, और वो उन्होंने चेयरमैन एफबीआर को भेजे हैं कि इतने एरर्स हैं। तो एफबीआर के जो एरर्स पोर्टल है उसके अंदर अपडेशन जो है आप उसकी कैलकुलेशन पे एतबार करके रिटर्न फाइल ना करें, वो कैलकुलेशन कई दफ़ा गलत होती है। तो आप अपनी लॉ की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कैलकुलेशन करें और किसी उस्ताद से उसे चेक करवा के और फिर आयरस के साथ कैलकुलेट करें। आपका भी एरर हो सकता है, तो उस कैलकुलेशन के अंदर दोनों को कंपेयर करें, उसको समझें कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, और उसके बाद रिटर्न फाइलिंग करें। हमारे अक्सर दोस्त जो है ना वो डायरेक्ट आयरस के ऊपर सारी फीडिंग करते हैं और उसके बाद जो आयरस से रिजल्ट आया चलो जी फाइल कर दो, विच इज़ नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग इट। ये आप अपने क्लाइंट के साथ बदयानती कर रहे हैं। अगर आप इस तरह रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपने क्लाइंट के साथ बदयानती कर रहे हैं, आप उसे प्रॉपर लॉ की प्रोविजंस के मुताबिक उसकी रिटर्न को रिव्यू नहीं कर रहे। जी प्लीज। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। इसके अंदर सर जैसे मकसद मिनिमम टैक्स के ऊपर हमारा ओपिनियन डिफरेंट है, उसकी कैलकुलेशन का डिफरेंट है, और एफबीआर का जो पोर्टल है उसके ऊपर वो कैलकुलेशन डिफरेंट कर रहा है। और इसके ऊपर आपको याद होगा पिछले साल लाहौर के हाई कोर्ट के अंदर एक रिट भी फाइल की गई थी। सॉरी अच्छा सर, एक मिनट, ये सेल चेंज हो जाए तुम्हें। जी बेशक कर ले, पाँच मिनट जरा वो उतर जाए ना वो। जी ठीक है ठीक है, मैं आप इधर आ जाना, इधर गर्मी है। जी ठीक है, पंखे के नीचे जरा वो पाँच मिनट जरा। कोई खफा खास ऐसी बात नहीं है, इधर से हवा आ रही है। अब एसी अब चला है ना? हाँ एसी अब चला है। कंटिन्यू करें जी, बैटरी देख लूँ बस, लाइट चलती रहे जी। अच्छा सर, जैसे आपने क्वेश्चन रेज किया और बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, एफबीआर का और हमारा इंटरप्रिटेशन का इख्तलाफ है, और जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि उलमाए कराम का आपस में इख्तलाफ हो भी जाता है, तो जो लॉ की इंटरप्रिटेशन है उसमें इवन टैक्स एडवाइजर्स का आपस में इख्तलाफ हो जाता है। तो इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में ख़ासतौर पर मिनिमम टैक्स के हवाले से एक रिट फाइल हुई, और उस रिट में यही पॉइंट रेज किया गया कि जो एफबीआर का पोर्टल है वो इनकरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा है। बल्कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एमएम अकरम साहब की जजमेंट भी आ चुकी है इसके ऊपर, और उन्होंने उस जजमेंट में पार्टिकुलरली कहा कि यार ये मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन ऐसे नहीं हो सकती। ट्राइब्यूनल की, सॉरी, लाहौर हाई कोर्ट का रिट थी और एमएम अकरम की ट्राइब्यूनल की जजमेंट आ चुकी है उनकी। तो जो मिनिमम टैक्स है, यानी अब एक तरह से जो अदलिया है वो भी वही कह रही है जो हम टैक्स एडवाइज़र्स पिछले कई सालों से कह रहे थे कि ये मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन ठीक नहीं है। अदलिया ने फिर उसकी डायरेक्शंस दी थी कि यार इसको जो है ना आप ओपन कर दें, इसमें फार्मूले ना लगाएं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उन डायरेक्शंस पे
somehow अमल नहीं हो सका, क्योंकि मेरा ख्याल है वो पोर्टल के आयरस के अपने भी इश्यूज़ हैं, शायद इतना आसान नहीं है वो सारी चीज़ों को पीछे बैकएंड पे चेंज करना, ठीक है। तो अब आपके पास रास्ता क्या रह जाता है, हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम ये प्रैक्टिस करते हैं, और अभी रितबा का जब सेमिनार हुआ था तो मैंने डिस्कस किया, जो हमारे वहाँ के सीनियर मेम्बर्स हैं वो भी यही कर रहे हैं कि हम फिर उसमें एडजस्टमेंट्स कर देते हैं ताकि हमारी जो अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी है वो वही रहे, और हम कंप्यूटेशन अटैच कर देते हैं, साथ लेटर अटैच कर देते हैं या लेटर लिख के दे देते हैं कि जनाब हमारे मुताबिक ये कंप्यूटेशन बनती है और ये इस तरह से। अच्छा, उसमें कुछ एरर्स तो ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा जी अभी 5% वाला, अब 10% एरर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉ में है ही 5%, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑब्वियसली उसको मॉडिफाई करके मैं तो 10% पे क्यों टैक्स पे करूँगा, ये तो इख्तलाफ भी नहीं है। तो ऐसे कुछ इशूज़ के ऊपर इस्लामाबाद में तो हमारे साथ ये हुआ कि एक दो मरतबा ऑफिसर्स ने क्वेश्चन रेज़ किया, हमने जाके एक्सप्लेन किया एंड दे एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है ये तो पोर्टल की गलती है। एक के अंदर उन्होंने नहीं माना तो हम कमिश्नर अपील के पास चले गए, और जैसे कमिश्नर अपील ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये पोर्टल गलत कैलकुलेशन कर रहा है, ये लॉ नहीं है, तो जो पोर्टल कह रहा है वो लॉ नहीं है। तो ये हम फिर इसका ये वे अराउंड हो सकता है, अदरवाइज जब तक आयरस उस पोर्टल को मॉडिफाई नहीं करता उस वक्त तक यही हो सकता है। सर 100% एग्रीड, आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन असल में सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि जब हम FBR को लिख देते हैं, अब FBR उसको मॉडिफाइड नहीं कर पा रहा, और मैंने अपने टैक्स पेयर को फाइलर भी बनाना है, आपको पता है रिटर्न की फाइलिंग के जी 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 कंप्लीट, लेकिन सर आज की डेट में नहीं है ना जी जी बिल्कुल ऐसे ही है ये, ऑब्वियसली FBR इसको इंशाल्लाह ताला उसको देखते हैं कि वो FBR उस पर क्या करता है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और सारे उसको फेस कर रहे हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, इनकम फ्रॉम सैलरी पे हमने डिस्कशन मुकम्मल कर ली जी, प्लीज़ क्वेश्चन। देखिए जो प्रिंसिपल है ना वो तो ये है कि आपने जितनी सैलरी रिसीव हुई है उसके ऊपर टैक्स करना है। अब मसलन इस साल 11 महीने की सैलरी के ऊपर टैक्स होगा, अगले साल फिर 13 महीने की सैलरी पर टैक्स हो जाएगा, दिस इज़ द लॉ, ठीक है। हाउएवर लॉ एक ऑप्शन देता है, ऑप्शन ये है कि ऐसा अनकंट्रोल्ड अगर कोई मामला हो, या बाज़ात आपको पता है वो किसी बंदे को जैसे गवर्नमेंट आई उसने निकाल दिया, 3 साल बाद कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया, तो उसे एरियर्स ऑफ सैलरी मिलते हैं। तो एरियर्स ऑफ सैलरी में लॉ ने ये ऑप्शन दी है टैक्स पेयर को कि आप चाहें तो ऑप्शन फाइल करें और उसे रेलेवेंट ईयर के रेट पे टैक्स करवा लें, तो आप वो ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमिश्नर को आपने नोटिस देना है, आजकल पोर्टल पे उसका एक कॉलम बना हुआ है, एट्रीब्यूट में जाके वो फिल करें, तो आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि इस किस्म के एरियर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो एरियर्स आप बजाय करंट ईयर की टैक्सेशन करने के रेलेवेंट ईयर में जाके टैक्स करवा लें, ठीक। सॉरी, देखिए अगर अब इसके दो मेथड्स हैं, ठीक है जी, एक मेथड तो ये आप इसे एक्रू कर लें और दूसरी तरफ रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लें, बैंक में तो आए नहीं ना। दूसरा मेथड ये है कि इस साल ना एक्रू करें ना रिसीवेबल रिकॉर्ड करें, अगले साल की वेल्थ स्टेटमेंट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक में आ चुके होंगे, अगले साल की रिटर्न के अंदर उन एरियर्स को सेपरेटली बताएं कि ये पिछले साल का एरियर है और इसे मैं पिछले साल के रेट पे टैक्स कर रहा हूँ। तो ये दोनों मेथड एक्सेप्टेबल मेथड हैं, दोनों के जरिए आपका काम पूरा हो जाता है। रिसीवेबल करेंगे ना, अगर आप उसे, देखिए मैं कह रहा हूँ दो तरीके हैं, अगर आप करंट ईयर में रिसीवेबल शो करना चाहते हैं तो इनकम में भी दिखा दें, करंट ईयर में उसका टैक्स दे दें, दूसरी तरफ उस सैलरी को रिसीवेबल कर दें, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, लॉ में कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये आपके पास ऑप्शन है, लॉ में इसको रोका भी नहीं गया,
आपको अलाउ किया गया कि एरियर्स को इस तरह टैक्स करवा ले। दूसरा जो तरीका कार है, जो बेहतर तरीका कार है, वो ये है कि लॉ में आपको एक दिया गया है 12(7) के अंदर एरियर्स की टैक्सेशन, और उसका कॉलम भी दिया गया है। तो आप ना वेल्थ को छेड़े ना रिटर्न को छेड़े, अगले साल जाकर आप उसको आपकी रिटर्न में डिक्लेयर करें 13 सैलरियां आई हैं जो कि एक्चुअल रिसीट है जी, और उसके बाद उसी से रिलेटेड जो है एरियर्स के कॉलम में जाके उसमें रेट जो है पिछला अप्लाई कर दें। ठीक है, देखिए वो ऐसा होता है, मसलन सेफ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जैसे इन्होंने एग्जांपल ली मेरी इस साल की सैलरी है 11 लाख रुपए, ठीक है, अगले साल भी मैं अज्यूम करता हूँ 12 लाख रुपए, ठीक हो गया। तो अब अगले साल मिले 13 लाख, इस साल मिले 11 लाख रुपए, तो अगले साल मैं कहूँगा कि मेरी 12 लाख करंट ईयर की सैलरी है और 1 लाख रिलेट करती है पिछले साल से। लेकिन मैं ये नहीं करूँगा कि 1 लाख जी वो तो 6 लाख से नीचे है, वो एग्जेम्प्ट है। मैं क्या करूँगा, पिछले साल के 11 लाख में 1 लाख ऐड करूँगा और टैक्स लायबिलिटी मालूम करूँगा, जितना मैं पे कर चुका हूँ वो डिफरेंस लेके और उसको फिर मैं पे कर दूंगा अपने अगले साल के रिटर्न के साथ। तो पिछले साल की टोटल इनकम के साथ ऐड करना है उसको। सैलरी पे किसी का कोई और क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक चीज जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि प्रॉपर्टी क्या चीज है। ठीक है, जनरली या कॉमन पार्लेंस में प्रॉपर्टी का वर्ड बड़ा वाइड वर्ड है और उसमें हम अपनी यूजुअली हर किस्म की प्रॉपर्टी को शामिल कर लेते हैं, जो भी मेरा एसेट है। लेकिन जो सेक्शन 15 है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को एड्रेस करता है, उसके अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुराद सिर्फ उस प्रॉपर्टी का रेंट है जो लैंड एंड बिल्डिंग है। गाड़ियों का रेंट उसमें शामिल नहीं है, किसी और एसेट का रेंट उसके अंदर शामिल नहीं है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेंट शामिल है? लैंड एंड बिल्डिंग का, और लैंड एंड बिल्डिंग भी वो बिल्डिंग जो आप ओन करते हैं। यानी अगर एज ए ओनर आपने लैंड और बिल्डिंग किराए पर दी तो उससे आने वाला जो रेंट है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप टेनेंट हैं और आपने आगे सबलीज की हुई है, तो जो इनकम फ्रॉम सबलीज है ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये फर्क याद रखना जरूरी है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड ओनरशिप। इसके अलावा ये याद रखें कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की जो टैक्सेशन है वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर है। सैलरी की टैक्सेशन थी रिसीट बेसिस पे, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की टैक्सेशन एक्रूअल के ऊपर है। इसके अलावा अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है तो उसका 10% भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगा। अगर कोई आपने सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का मुआहदा किया और वो कामयाब रही, वो आपने बयाना जब्त कर लिया, तो वो बयाना भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर शामिल है। अच्छा, सैलरी में हमने पढ़ा था कि यार सैलरी में तो एक्सपेंसेस कोई भी अलाउ नहीं है, सैलरी में हमने कोई एक्सपेंसेस डिस्कस नहीं किए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको एक्सपेंसेस अलाउ हैं। ठीक है, अच्छा वो जो एक्सपेंसेस हैं, हाउएवर दीज आर डिफरेंट फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस के एक्सपेंस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये होता है कि हर वो एक्सपेंस जो आप बिजनेस के लिए इनकर करते हैं वो एक अलाउएबल एक्सपेंस है। जबकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है कि यार ये एक्सपेंसेस हैं, सिर्फ यही अलाउ होंगे, इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे। उनमें सबसे पहले जो है वो है रिपेयर अलाउंस, 20% स्ट्रेट डिडक्शन है। आपका रिपेयर का खर्चा हुआ है या नहीं हुआ, लॉ आपको ये स्ट्रेट अलाउंस अलाउ कर देता है। दूसरा, उसके बाद फिर उन्हें लिस्ट दी हुई है जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स है, ग्राउंड रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, लीगल चार्जेस हैं और बैड डेट्स हैं जो आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ होते हैं। इसके बाद आखिर में एक क्लॉज है जो ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए उस पर एक लिमिट लगा दी 4% की, तो वो मैक्सिमम 4% तक अलाउ होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए और लैंडलॉर्ड के लिए। दूसरी बात यह कि अगर आपने बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दे दी, जैसे होता है ना फैक्ट्री ठेके पर दे देते हैं, तो वो जो फैक्ट्री ठेके पर देते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, बाज़ जगहों पर ये होता है कि वो बिल्डिंग किराए पर देते हैं, साथ उसके एमिनिटीज़ यूटिलिटीज़ के पैसे वसूल करते हैं।
तो जो एमिनिटीज यूटिलिटीज का किराया है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और बिल्डिंग का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसको अलग अलग करना जरूरी है। और सेल्फ हायरिंग के केस में फेयर मार्केट वैल्यू की जगह एक्चुअल रेंट इनकम में इंक्लूड होता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आप अपने क्लाइंट से डॉक्यूमेंट क्या क्या ऑब्टेन करेंगे, आप उससे रेंट एग्रीमेंट लेंगे ताकि आपको ये पता लगे कि एडवांस रेंट कितना है, फॉर द ईयर रेंट कितना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, और उसके मुताबिक प्रॉपर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की टैक्सेशन हो। मैंने बाज रिटर्नें ऐसी देखी कि उन्होंने जितना एडवांस रेंट वसूल हुआ था वो सारे का सारा टैक्सेबल कर दिया, विच इज़ इनकरेक्ट। एक बंदे ने दो साल का, आजकल ये स्कूलों को आप जब जगह रेंट पे देते हैं ना तो दो दो साल का इकट्ठा रेंट दे देते हैं, तो एक रिटर्न थी उसमें दो साल का इकट्ठा रेंट मिला, उसने सारा ही टैक्स के लिए ऑफर कर दिया, जबकि सिर्फ फॉर द ईयर जो रेंट है वो आपने टैक्स के लिए ऑफर करना है, बाकी जो रेंट है वो एडवांस रेंट के तौर पर वेल्थ स्टेटमेंट में लायबिलिटी में जाना है। प्रूफ लें आप उससे, प्रॉपर्टी टैक्स का प्रूफ लें, इंश्योरेंस का, लीगल चार्जेस का, इंटरेस्ट ऑन लोन का, ये सारे प्रूफ आप उससे लें अगर एक्सपेंस क्लेम कर सकते, क्योंकि सेक्शन 21 जो इन एडमिसिबल डिडक्शंस का सेक्शन है इनकम फ्रॉम बिजनेस का, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई होता है, और अगर कोई टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हुआ हुआ है तो उसका क्रेडिट का भी आपने प्रूफ लेना है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। अच्छा, ये क्वेश्चन कैपिटल गेन का है, इसको अभी पार्क कर लें, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का नहीं है, अभी हम रेंट की बात कर रहे हैं, इसको अभी पार्क कर लें, अभी कैपिटल गेन के साथ एड्रेस करते हैं, ठीक है सर। उस पर हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है लेकिन मैं उसका जवाब अभी बाद में दूंगा ना, वो टॉपिक आ जाए ना उस टॉपिक के साथ जवाब देंगे जी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, वो जी बिल्कुल सर, वो कोर्ट का डिसीजन है मेन जी, रेंट जो है ना वो उसका ही कहलाएगा जो प्रॉपर्टी का यानी जिसके जो प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर है, बेशक लीगल डॉक्यूमेंट हुए या नहीं हुए, ठीक है, रेंट उसी का ही है जी। किसी का कोई और क्वेश्चन जी? सॉरी, नॉर्मल में, नॉर्मल में, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉर्मल है जी, 4% वो पिछली स्लाइड में हमने बताई थी। देखिए कुछ एक्सपेंसेस हैं जो लिस्ट में हैं, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, मसलन जो इंश्योरेंस अगर आपने प्रॉपर्टी की है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, अगर आपने कोई लीगल चार्जेस पे किए हैं उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने एक कलेक्शन के लिए बंदा रखा हुआ है, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं, आपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखा हुआ है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उसका हिसाब, आपने एक अकाउंटेंट भी रखा हुआ है, वो अकाउंटेंट उसका हिसाब किताब भी करता है और वो रेंट कलेक्शन भी करता है, तो वो जो खर्चा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है, उसके ऊपर लिमिट है मैक्सिमम 4% जी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तब भी मिलेगा जी, ऐसा ही है जी जी, बिल्कुल वो वेल्थ के अंदर आएगा, वो वेल्थ के हम बदरा बात करें, ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है सर जी। किसी का कोई और क्वेश्चन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल गेन, पिछली स्लाइड पे जाए। हाँ जी, कैपिटल गेन जी प्लीज। नहीं देखें, जो विदहोल्डिंग की प्रोविज़न है उसका चार्जिंग से ताल्लुक नहीं है, वो प्रोसीजर है, वो टैक्स विदहोल्ड करने का प्रोसीजर है। हम चार्जिंग की प्रोविज़न को पढ़ते हैं इनकम की डिटर्मिनेशन, मतलब से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं मिसाल लेता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल एक मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मेरी जो टीचिंग इनकम है वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, मेरा बिज़नेस भी नहीं है, ठीक हो गया,
लेकिन एक शख्स जो है वो मुलाजिम के तौर पर पढ़ाता है, उसकी जो टीचिंग इनकम है वो कहाँ पर चली जाएगी, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में चली जाएगी। और एक शख्स है जिसका रेगुलर काम ही पढ़ाना है, ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है, उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर चली जाएगी। तो ये जो चार्जिंग सेक्शन है ना, तो नेचर ऑफ इनकम डिटरमिन करने के लिए हम चार्जिंग सेक्शन को देखते हैं, विदहोल्डिंग को नहीं देखते। अगर किसी ने गलत भी विदहोल्डिंग कर ली तब भी मेरी चार्जिंग नहीं तब्दील होगी। ठीक, सॉरी, देखें प्रोफेशनल सर्विसेज नाम का कोई इनकम हेड नहीं है, इनकम हेड 5 हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। प्रोफेशनल सर्विस जो है, यानी जो काम मैं कर रहा हूँ उसको मैंने कैटेगराइज कहाँ करना है। अब मैंने टीचिंग की मिसाल दी कि टीचिंग जो है इन 5 हेड में से 3 में जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन के वो शख्स किस तरह से उसको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये यानी इसको नेचर जो है ना आपने जाके डिटरमिन करनी होती है सेक्शन के रेफरेंस से, चार्जिंग सेक्शन के रेफरेंस से। जी, कोई इसने हैंड रेज किया था यहाँ पे, जी प्लीज। दो सौ 236Q तो अब ख़त्म हो गई ना, 236Q जो था वो था रेंट के हवाले से। अच्छा, अब उसमें ना दो आर्ग्यूमेंट हैं, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट तो ये है कि जब उसकी विदहोल्डिंग के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविज़न मौजूद थी और वो स्पेसिफिक प्रोविज़न ख़त्म कर दी गई और फिर उसको कहीं पर भी नहीं डाला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके ऊपर विदहोल्डिंग नहीं होगी। ठीक है, यानी ये एक ओपिनियन ये है इसके ऊपर, ठीक हो गया। दूसरा ओपिनियन ये है कि FBR का एक पुराना सर्कुलर है और उस FBR ने पुराने सर्कुलर में जो रेंट ऑफ कार था, उस रेंट ऑफ कार को कहा था कि ये 153(1)(b) के तहत टैक्स डिडक्शन होगी। यानी उसका एक उसकी एक एक्सप्लेनेशन ये बनती है कि जो 153(1)(b) है वो एक जनरल प्रोविज़न है और वो इस किस्म के तमाम रेंट को कवर करती है, और अगर उसकी स्पेसिफिक प्रोविज़न ख़त्म हो गई तो अब वो निकल के जनरल प्रोविज़न में आ जाएगी और जनरल प्रोविज़न में उसका टैक्स काटना चाहिए। और अगर आपका क्लाइंट एक विदहोल्डिंग एजेंट है तो मैं हमेशा एक कंजर्वेटिव ओपिनियन दूंगा, ठीक है। कंजर्वेटिव ओपिनियन इसलिए दूंगा क्योंकि अगर मैंने टैक्स नहीं काटा और कल को कोर्ट ने एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर दी तो फिर एज ए विदहोल्डिंग एजेंट मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो हम जनरली इसके ऊपर कंजर्वेटिव ओपिनियन देते हैं, लेकिन इसके ऊपर इख्तलाफ है, बाज़ लोग ये एग्रेसिव ओपिनियन भी लेकर चल रहे हैं इसके ऊपर। जी थोड़ी आवाज रेज करेंगे, यार मैं क्वेश्चन अगर थोड़ा सा आवाज रेज कर दे, एक टीचर पढ़ा ही नहीं रहा। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट नहीं है उसका, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब है आप दो तरह से हो गया, या वो ट्यूशन सेंटर खोल के बैठा, या जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं नस्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है, या मुख्तलिफ बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाता हूँ, तो ये मेरा एक तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। जी इनकम मेरे लिए ही वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ना, मेरा मेन बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है। और जो पेयर है, जो विदहोल्डिंग एजेंट है, वो 153(1)(b) में टैक्स काटेगा मेरा, उसको तो सर्विस मिल रही है ना, वो 149 में नहीं काटेगा, वो अपने बाकी टीचर्स का जो है 149 में काटेगा, मेरा 153(1)(b) में काटेगा। जी जी जी, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, तो मेरा टैक्स जो है 153(1)(b) में कटता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन जो है बाय डेफिनेशन तो ये है कि कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप बेचते हैं, जी प्लीज।
जी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एफटीओ जो है ना, वो ओम्बड्समैन का काम है और उसका डिसीजन जो है वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट लीगल नहीं है, ठीक है। यानी लॉ की इंटरप्रिटेशन के लिए बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है। लॉ की इंटरप्रिटेशन के लिए मेरे पास बाइंडिंग प्रेसिडेंट होगा जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा, हाई कोर्ट का डिसीजन होगा, सुप्रीम कोर्ट का। फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन ने जो भी इंटरप्रिटेशन की, मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ। एक तो ये पॉइंट ये इस जहन में रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जो फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन का डिसीजन होता है वो स्पेसिफिक टू द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दैट पर्सन होता है, ठीक है। और मैंने वो डिसीजन पढ़ा था, वो डिसीजन जो है वो बुनियादी तौर पर ऐसे टीचर्स के लिए था वो जो डेली वेजेस वगैरह टाइप के टीचर्स आ रहे थे और उनको वो एड्रेस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारा जो टैक्स कट रहा है वो हायर उसके अंदर कट रहा है, जबकि सैलरी की वजह से अगर ये सैलरी के तौर पर हमें करते तो हमारी एग्जेम्पशन होती, वो 6 लाख रुपए की एग्जेम्पशन के अंदर हम फॉल कर जाते। तो उन्होंने उस पार्टिकुलर केस में कहा कि यार आप इनके साथ बाकी टीके लाख साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन उस केस के जो रिजल्ट्स हैं या जो लीगल इंटरप्रिटेशन है, इट विल नॉट स्पिल ओवर टू ऑल द एंटिटीज़ या यूनिवर्सिटीज़ और ऑल द पर्संस। वो जब तक प्रेसिडेंट, देखें अगर उस तरह से कहेंगे ना, तो से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अब अकाउंटेंट है, एक अकाउंटेंट एम्प्लॉय भी होता है और मैं एज एन अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइडर भी हूँ, तो क्या मैं अगर चंद घंटे की सर्विस किसी को देता हूँ तो मुझे एम्प्लॉय बना दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी नेचर ऑफ इनकम को डिटरमिन किया जाएगा और उस नेचर ऑफ इनकम को देखा जाएगा कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, सर्विसेज की इनकम है और उस पर टैक्स उसके मुताबिक कटेगा। तो इन माई हम्बल ओपिनियन दैट डिसीजन ऑफ एफटीओ इज नॉट एप्लीकेबल इन रैम। वो एक डिसीजन इन पर्सन है और एक डिसीजन इन रैम इन माई हम्बल ओपिनियन नहीं समझा जाना चाहिए उसको। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? ओके, कैपिटल गेन, सॉरी, कैपिटल गेन के ऊपर हम बात करते हैं। तो कैपिटल गेन जो है वो बुनियादी तौर पर कैपिटल एसेट, आप कोई भी कैपिटल एसेट फरोख करें तो उसके ऊपर वो कहता है कि भाई ये कैपिटल गेन कहलाएगा। लेकिन कैपिटल एसेट क्या है, मैंने उसकी डेफिनेशन को यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि जो 4 किस्म के कैपिटल एसेट है जिनकी जनरल टैक्सेशन आप लोगों के पास आती है, उनमें आप क्या करेंगे, ठीक है। और वो जो 4 किस्म के एसेट हैं वो क्या है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अगर आप बेचें तो वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स हो जाएंगे। इसमें पहले ये होता था कि अगर 1 साल से ज़्यादा आपने रखे हैं तो 25% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अब वो कानून ख़त्म हो गया, अब आप जितना मर्जी पीरियड रखें अब एग्जेम्प्शन कोई नहीं है इसके अंदर। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ये है कि पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हैं तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, एक्सेप्ट सेक्शन 38(5) के अंदर 5-6 आइटम्स की लिस्ट दी हुई है। और वो आइटम्स क्या हैं, उसमें ज्वेलरी है, उसमें ड्राइंग्स, कल्चर, अदर वर्क ऑफ आर्ट, कॉइन्स, यानी कलेक्शन आइटम्स हैं। तो वो जो कलेक्शन आइटम्स हैं अगर आप उनको बेचते हैं तो उनके ऊपर आने वाला गेन नॉर्मल टैक्स रिजीम का गेन है और नॉर्मल टैक्स रिजीम के गेन की हैसियत से आपकी नॉर्मल इनकम में क्लब होगा और टैक्स लग जाएगा एज ए सैलरीड पर्सन या नॉन सैलरीड पर्सन। उसके अलावा आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, मसलन आपकी गाड़ी है, आपके घर में फर्नीचर है, आपके घर में और बाकी बर्तन, इक्विपमेंट, एसी वगैरह, ये जितने भी आपके पर्सनल एसेट हैं, अगर आप ये सारे के सारे बेच दें तो इन सारे के सारे बेच दें तो आपके घर वाले आपको घर से निकाल देंगे लेकिन टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये जो पर्सनल एसेट्स हैं इनमें सिर्फ जो 4-5 किस्म के पर्सनल एसेट ऐसे हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है, बाकी सारे के सारे एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक रेट दिए हुए हैं, 6 साल बाद 0% हो जाती है, अगर वो कंस्ट्रक्टेड हो, ओपन प्लॉट हो तो 4 साल बाद और फ्लैट हो तो 2 साल बाद। और फाइनली हमारे पास पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी के भी स्पेसिफिक रेट दिए हैं और ये भी फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर है। तो पहली 2 आइटम नॉर्मल टैक्स रिजीम में और आखिरी 2 आइटम जो है वो फिक्स टैक्स रिजीम में फॉल करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, ये रेट्स गिवन है, ये रेट्स आपके पास, ये स्लाइड्स में इमरान गाजी साहब को दे दूंगा तो ये स्लाइड्स आपको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है या जिसको भी वो देना चाहे, ये मफाद आम्मा के लिए स्लाइड्स हैं। नेक्स्ट, जब आपने कैपिटल गेन की किसी की टैक्सेशन देखनी है तो आपने चीज़ें चेक क्या करनी है, परचेज डीड चेक करनी है, डेट, अमाउंट, अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, सेल डीड, डेट, अमाउंट, अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, 236(c) और (k) का CPR आप उनसे लें।
इसके अलावा पिछले सेमिनार में मुझसे 3 क्वेश्चन लोगों ने स्पेसिफिक पूछे, तो मैंने कहा इस सेमिनार के लोगों के लिए बेनिफिट के लिए यहीं पे मैं बता दूं। इंश्योरेंस रिसीट्स के एक शख्स है, वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है और इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के बाद उसको एक अरसे के बाद वो इंश्योरेंस रिसीट मिलती है, तो दैट इंश्योरेंस रिसीट जो है इट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो कैपिटल रिसीट है, इसके ऊपर केस लॉज मौजूद है, इट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एक्सचेंज गेन, एक्सचेंज गेन जो है वो बिजनेस का अगर एक्सचेंज गेन है तो वो टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर आपने पर्सनल आपके पास कैश वैश डॉलर शॉलर पड़े हुए हैं और उनके ऊपर अगर कोई एक्सचेंज गेन आता है तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, और उसके ऊपर भी केस लॉज मौजूद है कि पर्सनल एक्सचेंज गेन जो है इट शुड रिमेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और फाइनली किसी ने मुझसे पूछा कि भाई ज्वेलरी के ऊपर तो टैक्सेशन है तो गोल्ड बिस्किट का क्या होना चाहिए, तो गोल्ड बिस्किट जो है वो अदरवाइज एसेट में फॉल करेंगे, वो पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो अदरवाइज कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं एंड इट इज टैक्सेबल। नेक्स्ट, तो यहां पे हमारा कैपिटल गेन मुकम्मल हो गया। इस पे कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। आपने कैपिटल गेन पे ही क्वेश्चन पूछा था मेरे ख्याल, अच्छा वो सॉल्व हो गया था, दोबारा पूछे ना दोबारा। देखिए उसका एक और लाइटर नोट तो जवाब ये है कि भाई उससे कहे अगर इनकम दे रही नहीं है तो मुझे दे दे भाई, मतलब ऑन अ लाइटर नोट ठीक है, तो लेकिन बात ये है कि उस इनकम का वो राइटफुल ओनर है, वो उसी की इनकम है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हाई कोर्ट का डिसीजन मौजूद है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो पढ़ते भी हैं इसको सब्सटेंस ओवर फॉर्म को, तो वैसे इसके ऊपर हाई कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है। इसमें असल में सवाल दो हवाले से बनता है, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से बनता है और एक कैपिटल गेन के हवाले से बनता है, ठीक है। और कैपिटल गेन के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के पास ये सवाल आया जो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका सवाल था कि जनाब ये एक शख्स फौत हो गया फ़र्ज़ किया 2012 में, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई 2019 में और साथ ही उसने बेच दी, तो अब वो प्रॉपर्टी एग्जैम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन ये दिया कि जिस दिन बंदा फौत हुआ था उस दिन से वो प्रॉपर्टी उसके सक्सेसर्स की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जब वो प्रॉपर्टी उसके सक्सेसर्स की है तो इसका रेंट या उससे रिलेटेड जो भी इनकम है वो भी उन्हीं की है और उसी दिन से है और टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है उसके लॉ के मुताबिक देखी जाएगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा ऐसा है कि जो ये जो कैपिटल गेन का जो लॉ है ना ये पिछले 2 साल में चेंज हुआ है, ठीक है। पहले कानून ये था 2 साल पहले, अगर मैं भूल नहीं रहा एग्जैक्ट शायद 2 साल ही हुए, पहले कानून ये था कि जो इनहेरिटेंस में या जो गिफ्ट में प्रॉपर्टी आती है उसकी कॉस्ट रेसिपिएंट के लिए क्या है, तो लॉ सेक्शन 37 में कहता था उसकी कॉस्ट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, ठीक है। मसलन सेफ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मेरे पास जब मेरी शादी हुई 2003 में उस वक्त जो सोने का रेट था, अब्बू बताएंगे ठीक है, 10,000 रुपये तोला था मेरा ख्याल है तकरीबन, तो 10,000 रुपये तोला था, उन्होंने ख़रीदा था तो उन्हें पता है, तो 10,000 रुपये तोला था, और आज जो सोने का रेट है वो 2.25 लाख रुपये तोला है, ठीक है। तो उस वक्त के कानून के मुताबिक जब वो प्रॉपर्टी यानी मेरे पास उन्होंने दी तो 10,000 रुपये तोला आई। अब मैं फ़र्ज़ किया वो प्रॉपर्टी लॉ में एक लेक्यूना था, मैं वो प्रॉपर्टी करूँ 2019 में अपनी वाइफ को गिफ्ट, तो अब जब मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया या उसके पेरेंट्स ने दिया वो मुझे गिफ्ट कर दे, तो जब मुझे गिफ्ट किया तो गिफ्ट की फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक वो कितने का हो गया जो उसकी वैल्यू, या आज गिफ्ट करे तो 2.25 लाख का हो गया, और मैं 2 दिन बाद बेच दूँ तो गेन कितना होगा, 0 होगा या नेगलिजिबल होगा। तो ये लॉ में एक लेक्यूना था और इसका फ़ायदा उठाया जाता था, टैक्स प्लानिंग होती थी, लोग इनहेरिटेंस को या गिफ्ट को ला के आज गिफ्ट किया, गिफ्ट डीड बनाई, परसों सेल कर दिया, कैपिटल गेन छुट्टी हो गई, ठीक हो गया।
तो पहले पिछले साल गवर्नमेंट ने इस कानून को चेंज किया, पहले इन्होंने रिस्ट्रिक्शन ये लगाई कि जो गिफ्ट वाला है उसके ऊपर ऐसा नहीं होगा। अगर कमिश्नर को ये समझ आ गई कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये टैक्स अवॉइडेंस स्कीम का पार्ट है, तो इसकी टैक्सेशन ऐसी होगी पुरानी प्राइस के हिसाब से, ठीक होगी, ये कानून ले आए। अब फिर उसके बाद कानून मजीद चेंज कर दिया, अब ये प्रोविज़न ही इन्होंने ख़त्म कर दिया और स्पेसिफिक कर दिया कि जब भी कोई एसेट किसी के पास ट्रांसफरी के पास आएगा तो वो एसेट की कॉस्ट क्या होगी, जो ट्रांसफरर की कॉस्ट है, जो ट्रांसमिटर की कॉस्ट है। अब उसमें गिफ्ट तो कवर हो गया, लेकिन ये मेरा मतलब इन माय हम्बल ओपिनियन इट इज़ एन एरर। इसकी वजह ये कि इनहेरिटेंस वाले भी फंस गए उसके। अब से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, आज से 50 साल पहले मेरे दादा ने एक ज़मीन ख़रीदी थी 10,000 रुपये की, और आज उसकी वैल्यू अगर 10 करोड़ रुपये है और मुझे आज वो ट्रांसफ़र होकर मैं उसे बेचता हूँ या इनहेरिटेंस में मेरे पास आ जाती है, मेरे वालिद साहब ने 50 साल पहले ख़रीदी थी, तो इसका मतलब है वो जो एग्जेम्पशन थी वो ख़त्म और मुझे उसके ऊपर आज की डेट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 10 करोड़ का डिफरेंस। तो ये इनहेरिटेंस के हवाले से करेक्ट नहीं है, और आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों ने टेकअप किया है लेकिन इसके ऊपर कोई फर्दर चेंज नहीं आई। तो आज की डेट में क्या है, बड़ा लंबा टैक्स है। आज अगर किसी को इनहेरिटेंस मिलती है तो पहले वो चुप करके इंतज़ार करे 6 साल गुजर जाए, या कंस्ट्रक्ट करके 4 साल गुजरने का इंतज़ार करे फिर बेचे, वरना लंबा टैक्स है। ठीक है सर, प्लीज़। सर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगी, वो इनकम फ्रॉम, सर इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ना वो बड़ी स्पेसिफिक है कॉस्ट के हवाले से, ठीक है, और उसमें इन माय हम्बल ओपिनियन उसमें डीम्ड कॉस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अगर मैंने एक्चुअल कॉस्ट इनकर नहीं की तो डीम्ड कॉस्ट भी कोई नहीं है, ठीक है। उसमें एक मेरे पास मार्जिन में कह लूँ वो ये हो सकता है, अगर फ़र्ज़ किया, मतलब अब ये सिचुएशन टू सिचुएशन है, आज की डेट में डिफरेंट होगा, से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट लॉ की चेंज से पहले इनहेरिटेंस आई थी 2018 में आई, 2018 में मैंने उस इनहेरिटेंस को रिकॉर्ड किया फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर जो थी 1 करोड़ रुपया, ठीक हो गया, एक मिसाल के तौर पर। जब मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, अब लॉ में एक कंसेप्ट है डिस्पोजल ऑफ एसेट का, तो जब मैं अपने पर्सनल एसेट को ट्रांसफ़र करता हूँ बिजनेस एसेट में तो वो क्या होता है कि पर्सनल एसेट में पर्सनल गेन हो जाएगा और इधर बिजनेस एसेट बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने अगर वो ट्रांसफ़र भी इस तरह से किया कि एग्जेम्पशन हो गई तो अब वो कॉस्ट आ गई, और वहाँ पे वो कॉस्ट की प्रोविज़न में पर्सनल और बिजनेस की डिस्पोजल का मामला है। लेकिन ये यूज़ कर सकता हूँ वो जो लॉ की चेंज आई है उससे पहले वालों के लिए, जो करंट है उसमें तो लंबा गेन है जी। यही मैं कह रहा हूँ, जो 3 साल पहले का लॉ था ना उसमें इसकी टैक्सेशन मैं मैनेज कर सकता था, आज नहीं हो सकती जी। कोई और क्वेश्चन किसी का जी, प्लीज। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी बिल्कुल, अगर 29 जून को फौत हो गया तो जैसे अभी मैंने केस लॉ बयान किया उसी दिन वो प्रॉपर्टी उनकी मलकियत आ गई, ठीक है, वो उसे दिखा सकते हैं। और वहाँ पे मेरा ख्याल है जो पोर्टल है ना उसमें गुंजाइश होती है नरेशन लिखने की, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। तो अगर कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं भाई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या सक्सेशन सर्टिफिकेट इन प्रोसेस है, दिखानी चाहिए जी। प्रॉपर्टी की अब जो कानून है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है जितने की ट्रांसफरर की कॉस्ट थी, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वो डिक्लेयर करेंगे आप। सर अगर वो ना पता हो तो, क्योंकि देखें जो फैक्ट्स हैं ना, फैक्ट्स साबित करना मेरा काम है, यानी टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है। अगर मैं फैक्ट साबित नहीं कर सकता तो ज़ीरो हो जाएगी, या उस वक्त की अगर कोई वैल्यू डिटर्मिनेबल फेयर मार्केट वैल्यू उस वक्त की मैं निकाल सकता हूँ तो वो निकाल के डाल दूंगा, लेकिन क्या ये वैल्यू ठीक है या नहीं है वो मेरा काम है, वो टैक्स पेयर ने साबित करना है। FBR तो कहेगा कि भाई मैं तो कहता हूँ 0-2 रुपये की खरीदी थी।
सर देखें, वैल्यू अगर आप ज़ीरो दिखाते हैं ना और फिर उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो आप वैल्यू ज़ीरो दिखा के कल उसे बेचने जाते हैं तो गेन टैक्स लग जाएगा ना, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए उसकी वैल्यू दिखानी चाहिए जितनी भी बन सकती है। नहीं सर, वो लॉ अब नहीं है, अब लॉ ये कहता है कि कॉस्ट होगी, कॉस्ट ट्रांसफरर की, मेरी नहीं, ट्रांसफरर की। एक मिनट, सॉरी, बिल्कुल ठीक है, आउटफ्लो नहीं हुआ उसको, एक वहां पर ना आपका एडजस्टमेंट का कॉलम होता है, नरेशंस में आप दिखाएंगे उसकी, नहीं नहीं आप उसकी नरेशन में ना अदर एडजस्टमेंट का कॉलम में आप दिखा सकते हैं कि यार ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, इसे अदर एडजस्टमेंट में डाल दें। जैसे अभी सर ने फरमाया था ना रिपेयर अलाउंस का, अब वहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम दिखाओ के कितनी है, अब वो टैक्सेबल इनकम में से रिपेयर अलाउंस को मैंने एडजस्टमेंट दिखानी है ना, अब या तो मैं नेट टैक्सेबल इनकम दिखा दूँ या वो अदर एडजस्टमेंट की लाइन में उसकी एडजस्टमेंट डाल दूँ। तो वो जो, यानी वो जो एडजस्टमेंट है ना, एक्चुअली वो डाली ही इसलिए गई है ताकि ऐसी नोशनल इनकम या नोशनल एक्सपेंस को वहां पे एडजस्ट किया जा सके। जी सॉरी, नहीं सॉरी, प्रॉपर्टी वो इनका सवाल एक्चुअली एग्जैक्टली यही था। तो आपने उसकी जो इनहेरिटेंस की वैल्यू है ना, एक तरफ वेल्थ में दिखानी है और दूसरा तरफ रिकंसिलिएशन में इनफ्लो के अंदर अदर एडजस्टमेंट में दिखानी है। ठीक, देखें इनहेरिटेंस के जो कानून के मुताबिक आप किसके सक्सेसर हैं, ठीक है, आप जिसके सक्सेसर हैं वो उसकी कॉस्ट आपके पास होगी। अगर फर्ज किया अब जो कानून है उसके मुताबिक अगर परदादा की प्रॉपर्टी थी तो परदादा ने अगर आठ आने की खरीदी थी तो अब आठ आने कॉस्ट है उसकी, उसके बाद तो जीरो हो गई ना, मतलब ना ही समझे कोई कॉस्ट। जी उसका गेन टैक्सेबल है आप उसका, असल में प्रॉपर तरीका कार ये है कि जब भी कोई गिफ्ट मिलता है या जब भी कोई आपको इनहेरिटेंस मिलती है तो उसको वेल्थ में कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। पुराने 2020 से मेरा ख्याल है पहले उसे फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए था। इन माय हम्बल ओपिनियन इट वाज एन इनकरेक्ट प्रैक्टिस। अच्छा, असल में ये प्रैक्टिस थी क्यों, पहले ये था कि लैंड जो है ना वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती थी, तो पुराने ज़माने से ही चला आता यार इनहेरिटेंस जीरो पे भी दिखा दो तो क्या मसला है ना, तो वो जीरो पे दिखा देते थे उसके बाद बेचो करो जो मर्जी करो। अब जब से ये 2010 से टैक्स लग गया उस वक्त से वो 37 की प्रोविजन को फॉलो किया जाना चाहिए था, कम अज़ कम उस वक्त से ज़रूर फॉलो किया जाना चाहिए। जी फाइनल हमारे पास टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वैसे बहुत सारी इनकम आती हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है अगर उसकी आप रिटर्न में देखें तो जनरली दो किस्म की इनकम होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, एक डिविडेंड की इनकम होती है और एक इंटरेस्ट की इनकम होती है, और दोनों फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है। तो सिंपली आपने ग्रॉस रिसीट्स डालनी है, आपने उसका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स डालना है और टैक्स लायबिलिटी पोर्टल खुद ही कैलकुलेट कर देता है उसके अंदर। इंटरेस्ट इनकम के अंदर भी इसी तरह से है, ये याद रखें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर पहले 15% फाइनल टैक्स था, अब वो फाइनल टैक्स नहीं है, और बाकी इंटरेस्ट के ऊपर भी अब 5 मिलियन रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम के ऊपर फाइनल टैक्स है। 5 मिलियन रुपए से ज़्यादा की अगर इंटरेस्ट इनकम है तो इट इज़ नॉट फाइनल टैक्स रिजीम, अब वो नॉर्मल इनकम में क्लब होगी और नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई होगा। बहबूद सेविंग और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट या शोदा वेलफेयर फैमिली अकाउंट, उसके ऊपर मैक्सिमम रेट 5% है, तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो आपने देखनी है। नेक्स्ट फिर है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, इनकम की सोर्सेज हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो गई सिवाय बिजनेस इनकम के, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आप कुछ पूछे थे, तो
स्लॉट्स दे, स्लॉट्स को बाद में आपने सीलो, क्या यहाँ पे कैपिटल गेन जी? असल में ये दो ट्रांजैक्शन है ना, देखें पहली ट्रांजैक्शन तो ये है कि आपने अपनी ज़मीन बेच के प्लॉट ले लिए, तो ये तो पहली सेल हो गई, ठीक है। ये जो पहली सेल थी एक्चुअली आपको इसकी कंसिडरेशन इन काइंड मिली है, इन कैश नहीं मिली। उसके बाद जब आपको वो प्लॉट मिल गए, वो प्लॉट डेवलप हो गए और डेवलप करने के बाद आपने बेच दिए, तो वो दूसरा गेन है, तो वो एक अलग टैक्सेशन होगी। तो ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं जी। जी कैपिटल गेन जितना भी नेट आएगा उसके ऊपर टैक्स देंगे। देखें जॉइंट अकाउंट में ये होता है, उसमें ना कंसेप्ट है असल में बेनिफिशियल ओनरशिप का, ठीक है। अगर जॉइंट अकाउंट रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि यार कहीं साइनिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो, बेगम साहिबा जॉब नहीं कर रही, उनकी कोई इनकम नहीं आ रही, तो इट इज़ एडवाइजेबल फिर जॉइंट अकाउंट जो है वो हस्बैंड या स्पाउस जिसके पास जिसका भी बेनिफिशियल ओनरशिप है वो अपने पास डिक्लेयर करे, उसका टैक्स भी अपने पास डिक्लेयर करे, उसके मुताबिक करे, ठीक है। दूसरा ये होता है कि दोनों काम कर रहे हैं, दोनों का मुश्तरका अकाउंट है और वहाँ पर वो अपनी बचते वगैरह डाल देते हैं और उसके अंदर जो है ना वो टैक्स पे करते हैं, उसके ऊपर टैक्स कट जाता है। अच्छा, अब आइडियल जो है, जो कि पॉसिबल नहीं है, आइडियल तो ये होना चाहिए कि हिसाब लगाया जाए भाई किसका कितना पैसा है और उस पर उसकी कितनी इनकम आ रही है और उसका कितना टैक्स कर रहा है, वो अपनी इनकम में डिक्लेयर कर दें दोनों, ठीक है। लेकिन चूंकि ये फाइनल टैक्स रिजीम में है तो आधा आधा भी कर दें, हम जनरली आधा आधा कर देते तो इट डजंट रियली मैटर, ठीक है, तो वो रिकन्सिलिएशन में फिर उसे एडजस्ट कर देते हैं। तो वो ये करते हैं कि आधी इनकम हस्बैंड के पास दिखा दी, आधी वाइफ के पास दिखा दी, तो ये भी एक एक्सेप्टेबल मेथड है क्योंकि उस पर टैक्स ऑलरेडी गया हुआ है, तो टैक्स लायबिलिटी कोई अराइज नहीं होगी। वेल्थ को हम रिकनसाइल कर लेते हैं कि यार देख लेते हैं उसकी कैश एडजस्टमेंट वहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, वो खातून एक काफ़ी देर से उन्होंने हैंड रेज किया है और पहला सवाल है खातून का जी, प्लीज़। अच्छा देखें, इसमें ना एक चीज़ तो ये है कि बाज़ लोग तो इसको इस तरह से करते हैं कि अगर वो 5 मिलियन रुपए से नीचे है तो फॉरेन रेमिटेंस में दिखा के उसे डिक्लेयर किया और वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो शख्स आपका रिलेटिव है, ठीक है, और भाई है ये जो भी है, तो रिलेटिव के दरमियान जो गिफ्ट है वो वैसे भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो अगर नॉर्मल बैंकिंग चैनल से पैसे आ रहे हैं और आप उसका असल में लॉ ये है ना कि आप सोर्स ना एक्सप्लेन कर सकें। अब अगर आप सोर्स एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये तो गिफ्ट है मेरे रिलेटिव की तरफ से, तो कोई टैक्सेशन नहीं है, ठीक है, तब भी कोई टैक्सेशन नहीं है ना, गिफ्ट है ना, गिफ्ट की कोई टैक्सेशन नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में अगर वो रिलेटिव से आ रहा है तो जी। अच्छा, ये सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स के साथ नहीं है, ये सवाल तकरीबन हर वर्कशॉप पे मेरे से किया और वहाँ पर हमने अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी डिस्कशन करके, एफबीआर ने अभी रिसेंटली एक लेटर इसके ऊपर इशू किया है, एफबीआर से क्लेरिफिकेशन ली गई थी, जीएचक्यू ने एफबीआर को लेटर लिखा और उस जीएचक्यू के लेटर के जवाब में एफबीआर ने ये क्लेरिफिकेशन इशू की जो प्रिंसिपली करेक्ट है। सेक्शन 75 सब सेक्शन 5 ये कहता है कि आपका एसेट कब बन जाता है, जब आपकी ओनरशिप में आ जाए या यू हैव अदरवाइज अ राइट टू ऑन दैट एसेट, ठीक है। तो एफबीआर ने ये कहा कि जब आपके जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो आर्मी ऑफिसर्स के साथ क्या होता है कि उनकी तनख्वाह में से पैसे कटने शुरू हो जाते हैं ना, और अल्टीमेटली तो जब वो एलिजिबल होते हैं उनकी तनख्वाह में से पैसे कटने शुरू होते हैं तो दैट इज़ द डेट ऑफ एक्विजिशन। और अब जब आप कैपिटल गेन के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो उस डेट ऑफ एक्विजिशन से आप हिसाब किताब लगाएंगे। तो ये जब उन्होंने यानी ये प्रिंसिपल जो है 75-5 को जब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया एफबीआर ने, तो अब ये किसी भी किस्म के प्लॉट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। ये लेटर मेरे पास मौजूद है, अगर सर चाहे मैं शेयर कर दूंगा और फिर आप अपने मेम्बर्स वगैरह से भी शेयर कर सकते हैं, ये क्लैरिफिकेशन एफबीआर की आ गई है इसके ऊपर जी।
सॉरी ठीक है अच्छा देखिए इसमें दो चीज़ें हैं ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि क्या वो शख्स आने जाने की वजह से रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर तो वो नॉन रेजिडेंट है 183 दिन से ज़्यादा हैं ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट की वो पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है, वो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है, दैट इज़ एग्जेम फ्रॉम टैक्स। अब अगर वो नॉन रेजिडेंट अपनी रिटर्न फाइल करता है और वो उस पैसे को दिखाना चाहता है तो वो अपनी इनकम में दिखा सकता है कि मैंने अपने रिटर्न में दिखा दिया। और जो बीवी या बच्चे के अकाउंट में पैसे भेजे हैं उनको अगर रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है, देखें सिर्फ पैसे वसूल होने से रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी नहीं होती ठीक हो गया, तो अगर वो बीवी या बच्चा जो है उसका बैंक अकाउंट है बट दे आर नॉट रिटर्न फाइलर और दे डू नॉट वांट टू बी रिटर्न फाइलर एंड देर इज़ नो ऑब्लिगेशन एज सच ठीक है, तो ना वो रिटर्न फाइल करेंगे ना वो दिखाएंगे, बस उस शख्स ने जो अपने पास दिखा दिया दैट इज़ सफिशेंट ठीक है, और वो फॉरेन सोर्स इनकम दिखा के उसको कम्प्लीटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स दिखा दे अगर वो फाइल करके फाइलर बनना चाहता है तो। अगर वो रेजिडेंट हुआ तो रेजिडेंट की सूरत में कानून ये है कि फॉरेन सोर्स सैलरी उसकी, अगर उसने फॉरेन सोर्स सैलरी पर पाकिस्तान से बाहर टैक्स पे किया है तो एज़ पर सेक्शन 102 वो फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, और अगर नहीं पे किया तो यहाँ टैक्स देना पड़ जाएगा। देखिए जो फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हैं ना उनकी टैक्सेशन है सेक्शन 154A के मुताबिक। सेक्शन 154A ये कहता है कि अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर हैं तो जो पैसे आपके आ रहे हैं उसके ऊपर बैंक जो है 0.25% टैक्स काटेगा एंड दैट इज़ FTR। आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, क्या आपने अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न प्रॉपर फाइल करनी है, अगर विद होल्डिंग स्टेटमेंट एप्लीकेबल है तो वो भी फाइल कर दें ठीक है। पहले सेल्स टैक्स रिटर्न भी लिखा होता था, इस साल हमने उसे डिलीट करवाया है, हमने मैंने खुद FBI चेयरमैन और फाइनेंस मिनिस्टर के सामने प्रेजेंटेशन दी थी इस पॉइंट के ऊपर, तो 3 पॉइंट हमने IT सेक्टर के डिलीट करवाए हैं इस बजट के अंदर, इट इज़ वन ऑफ देम। अच्छा और इसके ऊपर जो है ना यानी वो उनकी 0.25%, और अगर वो PSAP के साथ रजिस्टर नहीं है तो 1% देना पड़ेगा, दैट इज वो बैंक काट लेगा 1% FTR हो जाएगा जी। नहीं डाला, ये अफवाहें थी ये, लेकिन मटेरियलाइज नहीं हुई। अगर बैंक नहीं काटा, बैंक ने गलती से नहीं काटा, देखें अगर नहीं काटा तो चूंकि डिडक्टेबल है आप खुद से भी पे करके FTR में जा सकते हैं। आपको ना आगे आके बैठना चाहिए, आपके माशाल्लाह क्वेश्चन काफी सारे हैं लेकिन आपकी आवाज जो है ना वो थोड़ी जरा कम है, इधर बैठ जाए, ये कैमरे के बिल्कुल साथ एक सीट खाली पड़ी है, आ जाए प्लीज। सॉरी असल में मैं स्टेज पर हूँ ना तो वो थोड़ी सी और इको की वजह से मुझे सुनाई। अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और एम्प्लॉय, अच्छा यानी उसे कोई यानी बोनस मिला ना अवार्ड। देखें नाम जो मर्जी रख लें सैलरी की सैलरी की टैक्सेशन में प्रिंसिपल ये है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट देगा तो चाहे वो कैश में हो या इन काइंड हो वो टैक्सेबल बेनिफिट है, अनलेस एग्जेम्प्टेड, और एग्जेम्प्शन हमने देख ली दो तीन ही है, बाकी सब टैक्सेबल है। सर प्लीज वो भी सैलरी है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट देता है, कोई भी पेमेंट करता है, वो सैलरी है। ग्रांट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ग्रांट या डोनेशन के नाम पे भी देगा ना तो वो बेनिफिट है, वो टैक्सेबल है। देखिए ग्रांट या डोनेशन जो है ना वो इदारों को दी जाती है, एम्प्लॉय को, मैं तो सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी का नाम डोनेशन रख दूँ तो क्या होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, तो वो तो टैक्स अवॉइडेंस की स्कीम बन जाएगी, फिर अतर साहब आके पकड़ लेंगे उसके ऊपर ये क्या किया आपने, तो ये नहीं होगा जी। सॉरी
ठीक है, देखिए अव्वल तो नॉन रेजिडेंट पर्सन को वेल्थ फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो वो उसे वेल्थ फाइल ही ना करे। जब पाकिस्तान आएगा, रेजिडेंट बनेगा तो दिखा देगा, और अगर उससे सवाल पूछा जाए कि भाई ये प्लॉट कहाँ से बनाया है, तो ट्रेल दिखा दे कि भाई ये मैंने पैसे भेजे थे, ये उसकी ट्रेल है। असल क्वेश्चन ट्रेल का होता है, ये मसला वहाँ पर आता है जहाँ पर नॉन रेजिडेंट पर्सन हुंडी से पैसे भेज देते हैं। जब वो हुंडी से पैसे भेजते हैं तो ट्रेल नहीं बनती, फिर FBR को आप प्रूफ नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि भाई फिर प्रूफ तो आपने करना है ना, ये फॉरेन सोर्स इनकम है। तो आप अगर नॉर्मल बैंकिंग चैनल से पैसे भेजेंगे तो उसकी ट्रेल बनेगी एंड दैट रिमेन्स एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सर वो उसके ऊपर भी तो लिमिट्स है ना, वो भी डिक्लेयर करने पड़ते हैं जी, वो डिक्लेयर करें। देखिए आपका अगेन, वो सर ने भी जैसे एक दफ़ा अभी बात की थी कुछ देर पहले, तो बात ये है कि पैसा जो मेरे पास है उसको साबित करना कि ये लेजिटिमेट है और इसके ऊपर एग्जेम्पशन है, ये मेरा काम है, ठीक है। और अगर मैं नहीं साबित कर ना सकता तो FBR तो कहेगा टैक्सेबल है जी। उसका दिल नहीं कर रहा तो ना फाइल करे, उसकी वजह ये है, देखें जिसको लॉ रिक्वायर नहीं करता ना, ये तो शुरू में भी मैंने बात की थी कि देखें एक काम आप वॉलंटरली कर रहे हैं और अगर आप उसे नहीं करना चाहते तो लॉ आपको कंपेल तो नहीं कर रहा कि मैंडेटरी आप ना फाइल करें, करना चाहे तो फिर कर दे। वो दोनों काम कर सकते हैं, डी रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि जान छूट जाए फाइलिंग रिक्वायरमेंट से, लेकिन वैसे नील की भी फाइल करते रहे तो उसकी इतनी कॉस्ट तो है नहीं, ठीक है, तो नील फाइलिंग बेशक करते रहे। क्योंकि डी रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई करने जाएंगे ना, उसका एक प्रैक्टिकल पहलू है, जिस वक्त आप डी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने जाएंगे तो FBR के पास या जो PRA है उसके पास पावर है कि वो पहले आपका ऑडिट करेगा फिर डी रजिस्टर करेगा। अब वो जो ऑडिट करवाना है वो अपनी जगह एक काम है, ठीक है, तो वो आपका जो क्लाइंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यार मैं तो नहीं करना चाहता, तो बेहतर है नेल फाइल करके चलते रहने दें जी। अच्छा जी, इनकम की कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आते हैं अलाउंसेज हैं, आप ज़कात क्लेम कर सकते हैं, एजुकेशन एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन एक्सपेंसेस सिर्फ वो लोग क्लेम कर सकते हैं जिनकी आमदनी 15 लाख रुपये तक है। इसके अलावा कंपनीज WWF और WPPF भी एज एन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, फुल टाइम टीचर रिसर्चर जो किसी नॉन प्रॉफिट इदारे में काम कर रहा हो उसकी टैक्स लाइबिलिटी 25% रिड्यूस हो जाएगी सिर्फ सैलरी इनकम की हद तक। और इसके अलावा आप चैरिटेबल डोनेशन दिए हैं या आपने पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट की है तो उसके आप क्रेडिट ले सकते हैं। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो POS मशीन में इन्वेस्टमेंट का या 65F का जो क्रेडिट था पिछले साल वो ले सकते हैं। स्टार्टअप के पास अभी भी वो अवेलेबल है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 65G का क्रेडिट ले सकते हैं। और ये याद रखें कि FTR इनकम के अगेंस्ट कोई अलाउंस, कोई क्रेडिट, कोई लॉस एडजस्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, कॉमन जो एडजस्टेबल विदहोल्डिंग टैक्स की प्रोविजंस हैं वो रिटर्न बनाते हुए जहन में रखें। 149 सैलरी पे टैक्स कटा है, 155 रेंट पे टैक्स कटा है, अब ये नई प्रोविजन आ गई है कैश विदड्रॉल के ऊपर टैक्स कटने की, फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर्स की प्रोविजन है, मोटर व्हीकल की, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की, टेलीफोन बिल्स की, फंक्शन गैदरिंग के ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर या जो डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए होते हैं। तो आप अपने क्लाइंट की जब भी रिटर्न बनाएं, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, इसे आप चेकलिस्ट के तौर पर रख लें ताकि आप अपने क्लाइंट से पूछें और उसको इस टैक्स डिडक्शन का एडजस्टमेंट का फ़ायदा दें उसकी टैक्स रिटर्न के अंदर। दिस इज़ ऑल्सो अ ड्यूटी एज ए टैक्स एडवाइजर टू योर टैक्स क्लाइंट। नेक्स्ट, अच्छा जी, चैप्टर 2 हम यहाँ पे कंक्लूड किया। मेरा ख्याल है थोड़ी सी 10 मिनट की एक ब्रेक ले लेते हैं, मैं भी ज़रा सांस लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद और नमाज का भी सर वक्फा अगर कर लें, नमाज का वक्फा कर लें, जोहर की नमाज का वक्फा कर लें और फिर नमाज के बाद कंटिन्यू कर लेते हैं।